आज के जवान कार्यक्रम में आप सब लोगों के शानदार स्वागत बती युवा दर्शकन इ बखत हमनी पॉइंट टू पीमा स्थित अनंता और गैलरी में है जा और हमनी एगो ऐसन जगह में है जा जहाँ पर चित्रकला कलाकृति शिल्प कला और अलग अलग प्रकार के कला के जो इन पैदावार बातें सक बजा है जा देखे अपन आप में बहुत ही सुंदर बातें हमने के साथ न खाली जवान बातें बकर साथ साथ बुजुर्ग के एगो चाचा भी बातें एगो भाई बातें जो उ लोग भी शिल्प कला के प्रति अपन दिलचस्पी दिखावत हो जा तो चला आज उ लोग के संगे बतियाब जा और उ लोग के काम देखब जा तो चला जा बिल्कुल आज के जवान कार्यक्रम देखा था वजह अभी के संगे और इ बखत हमनी के साथ हमनी के जो मेहमान बाते ओकर नाम है निशाल पबू उ कलाकृति की दुनिया में अपन भीतर के जो हुनर बाते ओकर पूरा पूरा प्रदर्शन करियन जा आज इ बखत हमनी ओकर संगे बतियाब जा और ओकर काम देखब जा सबसे पहले नमस्ते निशाल नमस्ते अभी जी निशाल हमने के ई बतावा कि अभी एगो चित्र प्रदर्शनी के आयोजन हुआ था ओकर पाछे मकसद का है तो हजा हमने अनंता और गैलरी में है सर ई एक चित्रकला के जो प्रदर्शन वो आसिया जो एसोसिएशन है वो ऑर्गेनाइज कर लग आसिया का मतलब का है आसिया के प्रधान है देव चुआमन और ई ओकर पहला प्रधान रहल ज्ञानेश्वर दुस्वा उ गत साल लाइफ टाइम लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जीतल जो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के ऑर्गेनाइज करलक तो ओकर सम्मान दे के हमने ये चित्रकला के प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कर लिया सर जी हाँ बिल्कुल तो जैसे कि देखा था जहाँ हमने के जो स्थानीय कलाकार हवन जहाँ अपन आप में बहुत ही उम्दा तरीके से अपन जो काम बाते उ लोग करत हवन जहाँ और उ लोग के जो परिश्रम के जो काम बाते ओकर चित्र में झलकता तो अब ज्यादा बात नहीं करब जा तो देखा जा और निहार जा बिल्कुल ऐसन जोली जोली चित्र देख करके हमर मन तो एकदम ठेकवा नियन फूल गल बाते कहे कि उ में हमनी के जो मॉरिशियस समाज के जो न झांकी बाते उ में कूट कूट कर भरल बाते निशाल हमने के बताव कि है जो न प्रदर्शन हुआ था इ बखत अनंता आर्ट गैलरी में ओकर पाछे ओकर टेम का बाते ओकर विषय का है हमने के चित्र मॉरिशियनिज्म और देखब मॉरिशियस में तरह तरह के जो लैंडस्केप बा और मोटाएँ पिए जो बुके बनाने बा और जो फैशन वीव सोसाइटी में तो इंस्पिरे करके हमने के चित्रकार चित्र बनान सर और स्कल्पचर हो बा फोटोग्राफी बा तो है मतलब हैजा युवा दर्शकन ये बात की पुष्टि हुआ था कि हमने के जो स्थानीय कलाकार बते उ लोगन कौन ची कर ले बाते जो टेम बाते जरा हमने मोगिशानिस्म बोली ला सा
हाउ ओलोक के जन चित्र बाते उमे मॉरिशसीय समाज के जन झांकी बाते जैसे कि मॉरिशस के जन पहाड़ बा उकेर जुली जुली जन गांची बाते जन पेजाज बाते जन हरियाली बाते सकबजा देखे हाउ चित्र में मतलब मॉरिशसियता से परिपूर्ण जन चित्र बाते उकर प्रदर्शन हैजा निम्टे से हुआ था तो देखा जा बिल्कुल आज के जवान कार्यक्रम अभी के साथ भोजपुरी चैनल पर अगर आप लोग टॉमसोया पढ़ले हवा पुस्तक ओकर जन लेखक बते ओकर नाम हो मार्क ट्वेन और मार्क ट्वेन बोलन बते कि भगवान हमने के जन परम पिता परमेश्वर बते उ मॉरिशस के प्रकृति से बहुत ही प्रभावित होल बते तब जाकर के उ स्वर्ग के सृष्टि कर ले हवंजा त हमने के बतावा मॉरिशस तो बहुत ही सुंदर देश बाते हमने के ई बतावा कि जितना हमने के जो युवा दर्शकगण हई कार्यक्रम देखत हवन जा उ लोग के कौन संदेश देबा जहाँ तक कलाकृति के बात सामने आवता नौजवान के ऐसे बोलब कि जहाँ पर उ लोग रहेलन छ जो जो नौ विगुण में बा इंस्पिरे होई के और ई लानाचिया से लाफोगे से एगो एगो फासों ओरिजिनल लेके और उ अपन चित्र हाँ अपन चित्र में ट्रांसफर करके और एगो जो ओरिजिनल टेक्निक बा ओकरा डेवलप करके और एगो पॉप इडोंच थे एगो जो मॉरिशस युवक संघ जैसे तो ओकरा अंकुराज करेंगे जी हाँ बिल्कुल ऐसा बहुत नौजवान हवन जा जे बेरोजगार हवन जा मतलब HSC के बाद या फिर यूनिवर्सिटी के बाद उ लोग घरे रहे लन जा और कुछ नहीं करे लन सा ता ऐसा समय में सकबजा बोले कि आप लोग भी सकबजा अपन पेंटिंग करे मॉरिशस बहुत ही सुंदर जगह बाते ओकर सुंदरता लेके अपन चित्र में अपन अपन जन कागज में निमन से उ सुंदरता और मॉरिशस के जन समाज बाते ओकरा उतारे के चाहिए तब जाकर के आपके जन पेंटिंग बाते अपन आप में ओरिजिनल जिकरा हमने मौलिक बोली लासा और नायाब रही हो सकेला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सकबजा ओकर प्रदर्शन करे जहाँ बिल्कुल हमने मॉरिशसियता से परिपूर्ण जो चित्र बाते ओकर बारे में बतियावत है जा और कैसे मॉरिशस की सुंदरता सकबजा चित्र में डाले खासकर जो नौजवान बाते उलुक सकियन जा करे ई पर हमर हमने ई बखत बात करत है जा निशाल पब्बू के संगे अब निशाल हमने की ई बतावा आपके जो एसोसिएशन बाते स्थानीय कलाकार के उलुक में कौन कौन के बाते में हमने क्या एसोसिएशन के नाम बा आसिया और न खाली जवान बा हमने की आश्वासन में बुजुर्ग आर्टिस्ट भी बा जैसे देव चुगामन ध्यान सोसो दुसवा विनोद दुसवा और ये बहुत ही आर्टिस्ट बा जो हमने के गीत दिवेला हमने के इंस्पिरे करेला हमने के जो ओकर एक्सपीरियंस बा पोताजे करेला तो हमने ओकर संगीत सीखी रासर और ये देखबा SC और HSC के सिलेबस सौंझे होल जी जो युवक हो ओकरा जाए के इंटरव्यू करे के बा इंस्पिरे होए के बा तो ये सब ही जो प्लेटफॉर्म एग्जीबिशन कर लिया सर तो एगो सौंझ दे विला सर एचीजों के युवक के आए के देखे के और ये जो जो आर्टिस्ट बा ओकरा जो टेक्निक पसंद बा ओकरा संगे बात करे के इंस्पिरे करे के
और ये सीखे गे। तो युवा दर्शकगण हजा बात की पुष्टि हुआ था कि जब जितना जुन जुन इच्छुओं बातें खासकर जुन एससी और एचएससी लेवल में आप लोग जब अपन रिसर्च करत हुआ जा कोर्सवर्क करत हुआ जा और ही साथ साथ अपन जुन चित्र कला के जुन जुन पढ़ाई करत हुआ जा उनमें बहुत सारे जुन स्थानीय कलाकार के इंटरव्यू भी सकब जा करे और हमनी के साथ निशाल प्रभू के ओकर जुन संचालन बाते ओकर नेतृत्व में आप लोग भी ओकर संगे सकब जा भेंट करे ओकर बारे में सकब जा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करे और साथ ही साथ अपन कोर्सवर्क के जुन टेम बाते सकब जा करे मॉरिशस के सुंदरता के प्रति। संगठन में न खाली जो नौजवान बातें बकीर बुजुर्ग भी बातें और ऐसन बुजुर्ग वर्ग हवन जा ऐसन चाचा और बड़े भाई हवन जा जेकर नेतृत्व में बहुत सारे नौजवान उन लोग कलाकृति सीखत हवन जा आज ओकर संगे हमनी अब बतियाब जा और ओकर संगे भेंटाब जा तो चले जा। जी हाँ युवा दर्शकगण आज के जवान कार्यक्रम देखा तो वजह अभी के संगे और जैसे कि हैजा ये बात की पुष्टि होल बातें कि आसिया एगो ऐसन संगठन बाते न खाली नौजवान बाते बकीर बुजुर्ग भी हवन जा हमनी के साथ चाचा केशव बाते और ओकर संगे अभी हमनी बतियाब जा और उ भी जो नौजवान के बहुत संदेश भी दे त चाचा केशव हमनी के बतावा कि हाई जो गोबो बाते अपन आप में बहुत ही अलग बाते कैसे बनल बाते।
सब पीएस मोटरसाइकिलेट लूटो के पीएस रमासे करके बनावल गलबा असेंबलाज करल गलबा तो एगो फॉर्म देवल गलबा मतलब कि एगो रोबो कलिते प्रेजेंटे करिए ऐसे आर हमनी के बतावा चाचा केसो कि कितना समय लगल है जोन रोबो बाते बनावे के है हमार विचार से एगो एक समय लगल हो ऐसे में हमरा उतना ध्यान नहीं बा में लग जला एक समय लगेला बनाए के और कबो आधा बना के छोड़ दिला से तो फिर से पीएस वीएस खोज के देखिला से कौन एक संगे आज इस्ते हो तब बना दिला से एक ऐसे खड़ा कर दिला जा और हमने के बताओ कि जब हई होबो खड़ा करे के जो काम करत हुआ त डिफिसिल बातें या फिर बहुत ही फासिल बातें बहुत ही आसान बातें ओकर मोहताज करे के मतलब के में दिमाग दौड़ाई चाहे ला तनी कि जेकर विचार जे चला ऐसे बनाई के त सकी बनाई और हॉबी के लिए अच्छा बा जो नौजवान लोग बात सब तनी सीखियन जा कि जो बेकार बा काम धाम नहीं बात सकियन जा सब में थोड़ा सब खोज उज के रमास के सब बनावे तो लोगों के कुछ विचार दौरी जी हाँ युवा दर्शकगण हैजा ये बात की पुष्टि हुआ था कि बहुत सारे जुन हमने के जुन गाड़ी हो बाते मोटरसाइकिलेट बा या फिर जुन साइकिल बाते उ लोग पुराना हो जाला और फेंक देवे जा ऐसा बेरा में नौजवान कौन चीज सकियन जा करे है जितना जन जन टूटल जन जो जो फेंक देले बाते ओकरा रमास के ओकरा निमन से इकट्ठा करके ओकरा बहुत ही जोली ओब्जे सकियन जा बनाए जैसे कि है जा हमने के चाचा केसो करता और जो नौजवान बाते उ भी है जितना जन काम बाते सकियन जा करी तो देखा जा जे हम मित्रों बोली ला सर कि जो पुराना जो चीज बाते ओकरा रखे के चाहिए काहे कि वो कामे में आया त जो पुरनका जो चीज बाते ओकर पूरा पूरा निमन से ओकर इस्तेमाल हुआ था त बहुत बहुत धन्यवाद चाचा कि ऐसा काम है जा आप करत हो और साथ ही साथ नौजवान के भी एगो मतलब एक नहीं बल्कि दो तीन लीडे मिला था उत्साह मिली है सब काम करे के त चाचा जितना हमने के जो युवा दर्शकन है कार्यक्रम देखा तो वंजा उ लोग के कौन संदेश देबा हाँ ये बोला बादशाह के नौजवान जो भटकल बा उधर इधर उधर सकियन सा कुछ बनावे तो वो लोग आई कि हमने के एसोसिएशन में गौतरे हुई के और कि हमने सकी अपन जो बा सकियन सा प्रेजेंटे करे बना उना के सकियन सा एक्सपोजे करे साथ में और हमने के मॉम ढूके के हमने के एसोसिएशन में सदस्य बनिए जा और इस साथ साथ आपके भीतर के जो प्रतिभा बा आपके भीतर जो हुनर बाते ओकर पूरा पूरा प्रदर्शन सकियन जा करे हाई एसोसिएशन में ता अब हाई एसोसिएशन में हमनी सकब जा देखे स्कल्पचर जकरा हमनी शिल्प कला बोली लासा हमनी के साथ एगो भाई बाते भाई या बंशी उ शिल्प कला की दुनिया में अपन भीतर के जिन क्रियाचिविते बाते जिन सृजनात्मकता बाते उ दिखायन जा आज ओकर संगे बतियाब जा और ओकर काम निहारब जा तो चले जा भाई वंशी हमने के बतावा कि आप कब से शिल्पकला यानी कि स्कल्पचर करेला ऐसे जहाँ तक हमके याद बात है ऐसे लेकोल प्रीमियर से हम कुमासे कर ले रहनी प्लास्टिसिन में काम करे के फिर लेकोल से गौदे में गोलाज दूजों से कुमासे कर लेनी कोराई ताई करे के फिर
एगो स्कॉलरशिप मिलल आगे बढ़े के फाइन आर्ट स्टडीज करे के देव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदा लैंड में। फिर ओकर बाद आके यहाँ पर थोड़ा टीचिंग जॉब कने वो 15 बरिस ले गए और आमेम तो हमार पोजे रहल सब वो गैलरी के मोहताज करे के जहाँ पर अभी सब लोग हजा एग्जीबिशन कले वन जा तो अभी हई जन एक्सपोजे कल है एगो पियस भोज में हो तो अभी को इका हो एगो एगो पक्षी हो हाँ ऐसे तो एगो पक्षी जन हमने के लोकल पक्षी जैसे बोली लास है काउ कान में ऐसे देखे के मिलेला जब लाकू फोला था ओके बो छोटा छोटा रहलन सा मैं उलो के पंख छोटा और ढेर डिस्टेंस उड़े नहीं सके सा तो हो पड़े को कॉम्पोजिशन बना ले हाई भोंस में तो पहला एक माटी में बना के फिर प्लास दे पारी में कर मूल लेके फिर लासी बना के फिर फिनाल में ब्रॉन्ज फोन करके और एक कुलाज करके और फिनिशिंग और कर पाचिन पाचिन जाने कर एगो कुलिया देवेला जब बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते अनंता आर्ट गैलरी में और आज शिल्पकला और साथ साथ चित्रकला खासकर मॉरिशियसी समाज के झांकी संबंधी जिन चित्र बाते है जा आज देखे के निहारे के ओकर रसा स्वादन करे के मौका मिलल बाते तो जितना हमने के जिन युवा दर्शकगण है कार्यक्रम देखा तो जा यही संदेश देवब अगर आप बेरोजगार हवा कुछ नहीं बातें करे के तब जा आप भी चित्रकला के प्रति अपन दिलचस्पी दिखावा तो युवा दर्शक आज के जवान कार्यक्रम है जा समाप्त हुआ था बकेर आप भी हाई कार्यक्रम में सकब जा शामिल हो हमने के पता आज के जवान प्रोग्राम भोजपुरी चैनल MBC मुका तब तक अभी की ओर से नमस्ते।